ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडा एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सैमसंग के वन यू आई 4.0 के बारे में। वेल, इफ़ यू डोंट नो, नाउ यू विल नो कि सैमसंग वन यू आई 4.1 का जो अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है अपने और स्मार्टफोन्स के अंदर। वेल, यहाँ पर जो वन यू आई 4.1 का मेन पर्पज़ था वो भी यहाँ पर सामने निकल करके आ चुका है। वेल, एज यू नो, सैमसंग ने जब अपने वन यू आई वर्जन अपग्रेड करता है, लाइक 3.0 से 3.1.1 या 2.0 से 2.5 या 2.1 करता है, तो एनिमेशन में इंप्रूवमेंट होता है, साथ ही ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर होती है। बट यहाँ पर वन यू आई 4.1 का जो मेन पर्पज़ था वो था फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए। लाइक अगर आप कोई भी फोल्डेबल स्मार्टफोन यूज़ करो, गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी फोल्ड 2 या फोल्ड 3 या गैलेक्सी जेड फ्लिप या फ्लिप 3, जो भी है स्मार्टफोन्स हैं फोल्डेबल, तो उन स्मार्टफोन्स में जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो एप्लीकेशन की कंपैटिबिलिटी है, उस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर सैमसंग ने जो है वन यू आई 4.1 को बेसिकली डिज़ाइन किया था। एंड वो चीज़ यहाँ पर अब सामने निकल करके आ रही है, यानी कि अगर आप कोई भी फोल्डेबल स्मार्टफोन यूज़ करते हो, बट फिलहाल के लिए तो अभी सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3, ओके, ये स्मार्टफोन का नाम है गैलेक्सी जेड फोल्ड 3। सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के लिए जो है एंड्रॉयड 12 बेस्ड वन यू आई 4.1 का जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया है। पहले एंड्रॉयड 12 बेस्ड वन यू आई 4.0 आया था, अब यहाँ पर 4.1 का एक वन यू आई वर्जन आया है। इसके होम टाउन यानी कि बेसिकली जहाँ पर सैमसंग रहता है, जो जहाँ पर इस कंपनी को ईजाद किया गया है साउथ कोरिया में, तो बहुत जगह पर यहाँ पर सैमसंग ने जो है इस अपडेट को रोल आउट किया गया है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कहीं पर बिल्ड नंबर दोनों के मिल जाएंगे, गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 दोनों के ही। एंड यहाँ पर इन स्मार्टफोन्स में बेसिकली वन यू आई 4.1 का जो अपडेट है सैमसंग ने रिलीज़ करा है। एंड यहाँ पर सैमसंग इन अपडेट्स को और कंट्रीज़ में बहुत जल्दी एक्सपैंड करने वाला है, यानी कि 4.1 का जो अपडेट है हमें सैमसंग की तरफ से इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। 5-6 दिन में बता रहे हैं कि 5-6 दिन में आ सकता है, और हो सकता है कि हमें जल्द ही इंडिया में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी में सैमसंग इंडिया को रखता है। बिकॉज़ एज यू नो, इंडिया जो है हमारा काफ़ी पॉपुलर है और मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी देता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है फ़ोन एंथुजियास्ट पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैं, जो मतलब हर महीने मोबाइल चेंज करते हैं और सैमसंग को काफ़ी अच्छे से रिसेल देते हैं। खैर, यही था आज के इस वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।